हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है और इनका कैसे यूज़ करते हैं और इनसे कैसे मीनिंग वर्ड्स वगैरह बन फॉर्मेशन की जाती है। जैसे प्रीफिक्स यानी नाम से पता चल रहा प्री, प्री यानी बिफोर। जो ये जो वर्ड होते हैं प्रीफिक्स, ये रूट वर्ड के आगे जुड़ करके उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। रूट वर्ड यानी कोई सा भी नाउन प्रोनाउन के वर्ड जो भी है ना, वर्ड्स उनके आगे जुड़ करके, सिर्फ ये आगे जुड़ते हैं, ठीक है। और जो सफिक्स है वो इसका अपोजिट होता है, वो आगे ना जुड़ के पीछे जुड़ करके उनका मीनिंग चेंज करते हैं, ठीक है। बच्चों, आप यहाँ पे प्रीफिक्स की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि क्या है ये। जैसा कि मैंने कहा, प्रीफिक्स इज़ अ वर्ड पार्ट दैट इज़ एट बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। ये किसी भी वर्ड के आगे जुड़ करके जुड़ते हैं ये, और जुड़ कर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। व्हेन अ प्रीफिक्स वाज इट एडेड, जब हम उसको ऐड कर देते हैं वर्ड में तो ये चेंज कर देते हैं उसका मीनिंग, ठीक है। अभी प्रीफिक्स वर्ड है कौन से, ये प्रीफिक्स वर्ड है कौन कौन से। प्रीफिक्स वर्ड छोटे छोटे होते हैं, जैसे प्री, अन, यू एन अन, री, मिस। प्री वा मतलब प्री जो प्रीफिक्स है ये बिफोर को मीनिंग को डिटरमाइन करता है, और अन नॉट को डिटरमाइन करता है, री अगेन को डिटरमाइन करता है, और मिस रॉन्ग और बैड वर्ड को डिटरमाइन करता है। यानी हम इन वर्ड को आगे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो मीनिंगफुल वर्ड निकालता है वो प्री से रिलेटेड यानी बिफोर से रिलेटेड होते हैं, ये नॉट से रिलेटेड होते हैं जो मीनिंग उनका निकलता है, ये री यानी अगेन, कोई भी जो वर्ड होगा उसके आगे हम री लगा देंगे तो कुछ अगेन जैसा मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा। मिस रॉन्ग और बैड चीज़ को डिटरमाइन करेगा, ओके। ये है प्रीफिक्स के लिस्ट, ये है प्रीफिक्स के जो वर्ड जो आगे जुड़ते हैं, ये उनका जो मीनिंग जो डिटरमाइन करते हैं, जो मीनिंगफुल वर्ड निकालते हैं, और ये जो ये वो है जो कि ऐड करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ जिनको हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया है जिनमें, ओके। पहला वर्ड है री, अगेन को डिटरमाइन करेगा राइट से रीराइट। अन नॉट को डिटरमाइन करेगा काइंड से अनकाइंड। प्री बिफोर को डिटरमाइन करेगा मेट से प्रीमेट। डिस नॉट अपोजिट को डिटरमाइन करेगा ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट। इम नॉट अपोजिट को डिटरमाइन करेगा पोलाइट से इम्पोलाइट। नन नॉट को डिटरमाइन करेगा सेंस के आगे हम नन लगा देंगे तो नॉनसेंस। मिस रॉन्ग या फिर बैड चीज़ को डिटरमाइन करेगा, बिहेव के आगे हमने मिस लगा दिए तो मिसबिहेव। इधर सेम यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है प्रीफिक्स की, और अच्छे से डेफिनेशन है। ये प्रीफिक्स के वर्ड्स हैं, ये इनके मीनिंग है, और ये इनके सेंटेंस हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिए, आपको बहुत अच्छे से प्रीफिक्स आ जाएगा, ये बहुत ही इजी है। प्रीफिक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में और भी प्रीफिक्स से बहुत सारे हैं, कुछ वर्ड ये हैं, एक और लिस्ट है ये प्रीफिक्स के। सेम यानी ए लगाएंगे हम, ए कौन को डिटरमाइन करेगा, इन आउट फ्रॉम। एग्जांपल के लिए डब्ल्यू ए वाई वे होता है, हमने ए लगा दिया तो अवे बन गया। बोर्ड के आगे हमने ए लगा दिया तो एब्रोड बन गया। राइज के आगे ए लगा दिया तो अराइज बन गया। ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। एल ऑल, ऑल को डिटरमाइन करेगा अलॉन, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट। बी बाय, बिलो, बिफोर, बिगिन, बाय, फोर, फॉर, इन, मिस, ओवर, आउट, टू, विद, ये सारे प्रीफिक्स वर्ड इस तरह से एग्जांपल में ऐड हो करके एक मीनिंगफुल वर्ड निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सफिक्स क्या है। सफिक्स इज़ अ वर्ड पार्ट एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, किसी भी एक वर्ड के अंत में लग करके चेंजेस मीनिंग चेंज कर देता है। प्रीफिक्स का अपोजिट है, प्रीफिक्स क्या है आगे लग रहे थे और सफिक्स क्या है पीछे लगते हैं। जैसे होम है तो वहाँ पे हमने एम ई डबल एस लगा था तो होमलेस हो गया। प्ले है
अगर हमने फुल लगा दिया तो प्लेफुल बन गया, क्विक, अगर एल वाई लगा दिया तो क्विकली बन गया। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अब सफिक्स को और अच्छे से समझते हैं कि ये सफिक्स जो है वर्ड फॉर्मेशन में कैसे हेल्पफुल है। सफिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि सफिक्स की डेफिनेशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट यू कैन एडेड एट द एंड। ये ग्रुप ऑफ लेटर हैं, ये बहुत सारे लेटर होते हैं, वर्ड हैं जो कि पीछे यूज़ होते हैं ऑफ द रूट वर्ड एंड चेंज इट्स मीनिंग, उसके मीन रूट वर्ड के पीछे लग करके उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेकर के अच्छे से समझते हैं। कंफर्ट, अब हमने इसके पीछे एबल लगा दिया तो कंफर्टेबल, रूट वर्ड क्या है, कंफर्ट है जो हमारे पास था, हमने ऐड क्या कर दिया, एबल लगा दिया। तो एबल क्या है, यहाँ पे प्रफिक्स है जो उसका मीनिंग चेंज कर रहा है, कंफर्टेबल। ठीक है, एडिंग सफिक्स टू वर्ड कैन चेंज और ऐड टू देयर मीनिंग। ये लिस्ट है सफिक्स वर्ड के कि किस तरह से ये सफिक्स वर्ड हम लास्ट में यूज़ करते हैं। पेन के पीछे ये जो है हमने फुल लगा दिया है, FUL सब वर्ड के पीछे, पर हमें इन वर्ड को जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें पता चलेगा कि किस वर्ड के पीछे कौन सा सफिक्स लगेगा और किस वर्ड के आगे कौन सा प्रिफिक्स लगेगा। पेन है, वहाँ पे हमने FULL लगा दिया तो पेनफुल, फियरफुल, माउथफुल, स्ट्रेसफुल, डिलाइटफुल, चेयरफुल, थैंकफुल, वंडरफुल। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, NESS नेस लगाया है, इलनेस, क्वाइटनेस, फैटनेस, क्लोजनेस, काइंडनेस, रूडनेस, सैडनेस, बोल्डनेस। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, LY, इन वर्ड्स के पीछे क्या लगेंगे, LY, स्लो, स्लोली, सैडली, स्ट्रेंजली, ब्राइटली, साइली, स्वीटली, कोल्डली, कोल्डली, क्वाइटली। और इनके पीछे LESS, केयरलेस, होमलेस, फियरलेस, जॉबलेस, लाइफलेस, थैंकलेस, होपलेस, हेडलेस। इन वर्ड्स को हम जितना पढ़ेंगे उतना हमें पता चलेगा कि किन वर्ड के पीछे कौन से वर्ड्स लगाने हैं, कौन से सफिक्स लगेंगे। ये जो सफिक्स वर्ड है, ये जो बीच वाला है बच्चों, ये रूट वर्ड है। हमें एक वर्ड दिया गया, जैसे एक हेल्प दिया गया रूट वर्ड, ठीक है। अब हमने ये जो अन लगा है, ये हमारा प्रिफिक्स है जो हम पढ़ चुके हैं, तो ये अनहेल्प बन गया, ठीक है। हमने इसके पीछे सफिक्स लगा दिया FUL, फुल, तो अनहेल्पफुल, तीनों को मिला के प्रिफिक्स और सफिक्स मिला करके एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, अनहेल्पफुल। इसमें प्रिफिक्स भी है और सफिक्स भी है, अनहेल्प भी बन जाता देखा जाए तो, हेल्पफुल भी बन जाता, और तीनों को मिला करके अनहेल्पफुल। अब हम दो जो हमारे जो प्रिफिक्स है और जो सफिक्स है, ये किस तरह से हम दोनों का भी यूज़ करके एक मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ प्रिफिक्स से ही मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे या फिर सफिक्स से ही मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे एक्सेप्ट ले लो, एक रूट वर्ड, कोई भी वर्ड ले लो, एक्सेप्ट ले लिया हमने, ठीक है, हमने अन लगा दिया तो अनएक्सेप्ट बन गया, टेबल लगा दिया तो अनएक्सेप्टेबल। तीनों को, दोनों, यहाँ पे सफिक्स भी, प्रिफिक्स भी है और सफिक्स भी है, यानी दोनों को सफिक्स और प्रिफिक्स दोनों यूज़ करने के बाद भी एक मीनिंगफुल वर्ड्स निकलता है, ठीक है। ये कुछ जैसे सफिक्स के वर्ड्स हैं, रूट वर्ड हैं आगे वाले, और जैसे हमें पता है कि सफिक्स के वर्ड हम पीछे यूज़ करने होते हैं। ये एबल की लिस्ट है, ये एबल लगा करके सफिक्स वर्ड है, इसमें सफिक्स का जो वर्ड लगाया है हमने एबल लगाया है। अवॉइडेबल, एन्जॉयबल, एक्सचेंजेबल, मैनेजेबल, रीडेबल, अनयूजेबल, वॉशेबल, लाफेबल, कंफर्टेबल, प्लेजरेबल, यहाँ भी ई एन लगाया, गोल्डन, वुडन, स्वीटन, हार्डन, फ्लैटन, लाइटन। यहाँ पे फुल लगाया, केयरफुल, चेयरफुल, कलरफुल, डिलाइटफुल, फियरफुल, हेल्पफुल, वंडरफुल, पेनफुल, पीसफुल, यूजफुल, एक्शन, अट्रैक्शन, डायरेक्शन, इंट्रैक्शन, इंजेक्शन, इलेक्शन। एल वाई लगाया, बैडली, वाइजली, काइंडली, स्मूथली। यहाँ पे ईयर लगाया, कैचर, डिफेंडर, ड्राइवर, लीडर, रोबर, रूलर, स्पीकर, टीचर,
रिवर्सिबल, कलेक्टेबल, डिफेंसिबल, फोर्सेबल, यहाँ पे थिकनेस, सॉफ्टनेस, तो ये जो कुछ वर्ड होते हैं वहाँ पे हमें वही लगाना होता है। बच्चों ये सारे प्रिफिक्स की लिस्ट है कि प्रिफिक्स वर्ड कौन-कौन से हैं, इनके मीनिंग क्या-क्या हैं, और एक एग्जांपल के तौर पर लिस्ट दी गई है। इनको अच्छे से पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको सफिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसको जितना पढ़ोगे, जितना सेंटेंस में यूज़ करना, वर्ड्स में यूज़ करना सीखोगे, उतना आपको इजीली आएगा कैसे यूज़ करते हैं और इसका यूज़ होता है। सो सफिक्स में एबल हो गया, लेस हो गया, फुल हो गया, इन सबका मीनिंग क्या है? एबल यानी कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, सॉल्व से सॉल्वेबल, लेस विदाउट को डिटरमाइन करता है, मोशनलेस, फुल फुल ऑफ को डिटरमाइन करता है, चियरफुल, EN टू डू को डिटरमाइन करता है, फास्ट एंड वुलन, NES नेस स्टेट ऑफ बींग को डिटरमाइन करता है, हैवीनेस, हॉलिक वन ऑफ हिज ओबेस्ट वर्कोहॉलिक, एक्स TION स्टेट ऑफ क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, अटेंशन, IST प्रोफेशन को डिटरमाइन करता है, आर्टिस्ट, MENT मेंट एक्शन और प्रोसेस को डिटरमाइन करता है, मूवमेंट, FY द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इनटू एम्पलीफाई। ये भी सफिक्स के ही वर्ड है, AG लगाया एज अ रिजल्ट के लिए, ANCE का यूज़ करते हैं एक्शन और स्टेट के लिए इम्पोर्टेंस, ANT का यूज़ करते हैं अ पर्सन असिस्टेंट के लिए, EEE का यूज़ करते हैं अ पर्सन रेफरी, ENCE का यूज़ करते हैं एक्शन और स्टेट डिफरेंस। ये सारी चीज़ें आप इनको पढ़ लें, ये सारे क्या हैं? प्रिफिक्स के वर्ड्स हैं। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी सफिक्स के वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ो समझो, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।